नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवट न्यूज। खबर पटना सिटी से है। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। इसी क्रम में पटना सिटी के खाजेकेला थाना अंतर्गत सुदर्शन पथ स्थित सुई की मस्जिद मोड़ पर मेडिकल दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि मेहदीगंज इलाके से आए अपराधी ने पहले रेलवे ट्रैक पर फायरिंग की, उसके बाद मेडिकल दुकान में फायरिंग कर फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस ने दो खोखा बरामद किया है। वही दुकानदार गौरव कुमार ने बताया कि 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दुकान के एक स्टाफ को गोली छूते हुए निकल गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि भागने के क्रम में किसी चीज से चोट लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। चला है मेनली प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मार्केट में शॉप पे दवा लाने जाते हैं गोविंद मित्रा रोड, हमारा स्टाफ था बैठा हुआ, कोई इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि आज नाना जी मेरे एक्सपायर कर गए, तो नाना जी के एक्सपायर में मम्मी चली गई वहाँ, और यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर प्रॉपरली मेरा स्टाफ बैठा हुआ था। अब उसके बाद पहले आया है तो फायरिंग किया है, तो पटरी में फायरिंग किया, उसके बाद मेरे शॉप के ठीक सामने आके भी फायरिंग किया, तो लड़का हमको फ़ोन किया, मुझे जाने दे तेरे उससे क्या मतलब है, फ़ोन क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई मेरा दुश्मनी रहता ना हम उसको बोले कि हाँ सकता है मेरा दुश्मनी है, ऐसा कुछ बात है, किसी से मेरा कोई दुश्मनी है नहीं। फिर वो 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद समथिंग में आया, फिर दोबारा वो फायरिंग किया है कहाँ पे? फिर उसके बाद दोबारा जब मेरे ठीक हल्का सा मेरा धूप के कारण काउंटर हल्का सा झुकाया हो रहता है, जिससे फ्रंट पे मेरा धूप ना आए, इस कारण से मेरा काउंटर हल्का झुकाया रहता है, उस पर से मेनली जो पहला राउंड मारा तो लड़का जो हटा तो लड़का को किसी बस ऐसे हल्का सा छिला उला गया, और दूसरा फिर गोली चलाया, गोली चलाने के बाद अपना पूरा बेजाबते हुए गया है। किधर गया है? रेल लाइन की तरफ से होते हुए गया। पहचानते हैं उन लोग को आप? नहीं पहचानते तो नहीं है, प्लस कि मेरे किसी कोई दुश्मनी है ना, तुम कैसे बच रहे? कितना राउंड फायरिंग किया है? फायरिंग तो 4 से 5 राउंड किया है, जिसमें 2-3 हवाई फायरिंग है और 2 काउंटर फायरिंग है। कितना के संख्या में था वो सब? संख्या तो मेरा स्टाफ बता रहा है 1 था। अब होगा कितना ये नहीं पता है, हो सकता है कि और कहीं हो, लेकिन बाई फेस एक ही लड़का दिखा, वाइट में टी शर्ट बताएं बगल वाले जो मेरे दुकान के बगल वाले हैं वो बताएं कि व्हाइट में टी शर्ट था, अब पैंट तो नहीं पता है, लेकिन भगवा कलर का। गोली जिसको छूकर निकला उसका क्या नाम है? गोली छूकर निकला उसका नाम आदित्य है, वो गोली छूकर निकला जो कैसे हुआ ये तो नहीं कह सकते हम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है गौरव कुमार। कहाँ पर है दुकान आपका? सुई की मस्जिद मोगलपुरा चौकी। दुकान में सूचना मिली, यहाँ पर सुदर्शन पथ में एक गौरव मेडिकल की दुकान है, जहाँ पर कि जो कि दुकान आधा खुला हुआ था, आधा ऊपर से शटर बंद थी, यहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायरिंग की घटना की गई है। हम लोग सूचना मिलते हैं, यहाँ पर घटनास्थल पर आए हैं, और जो भी दुकानदार हैं उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इनका पूर्व से भी कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद रहा या किसी प्रकार का नहीं है। हालांकि इनके द्वारा बताया गया है कि इन्हें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, बट हम लोग हर बिंदु पर गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। इनके द्वारा लिखित आवेदन, कितनी गोली चली सर, क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ बरामद है, और ये भी मतलब पूछताछ में अगल बगल से भी पता चला है कि उक्त व्यक्ति द्वारा रेलवे ट्रैक जो महंगे का उधर साइड का इलाका पड़ता है, उधर से आने के क्रम में रेलवे ट्रैक पर भी एक शायद फायरिंग की घटना की गई है, तो हम लोग हर बिंदु पर देख रहे हैं, छानबीन। एक बच्चे को भी गोली से छू कर निकल गई है? नहीं ऐसा तो बात नहीं, मतलब ये बोले कि भागने के क्रम में कहीं खरोच टाइप का लगा है, ऐसा गोली से ऐसा तो बात बताई नहीं गई, इनके द्वारा लिखित आवेदन दी जा रही है। कितने खोखा कितना बरामद मिले हैं, बाकी हम लोग सब।